भाई अब तो बुक आ गई है, तो बुक में ये ढूंढ लें, डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर फाइनेंस लीज। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर फाइनेंस लीज। पेज 54 पे, और ये हमारे परसों वाले नोट्स में आपको मिल जाएंगे जो कल हम जाते जाते पढ़े थे, डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर फाइनेंस लीज। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का एक और क्या चीज थी जो कि नॉर्मल को नहीं आती थी? सेलिंग प्रॉफिट याद है क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ये सिर्फ किसको आता है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर को आता है या सिंपल लेसर को आता है? मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर का लफ्ज़ ज़हन में रखें, क्या होता था? मैन्युफैक्चरर लेसर होता था होंडा, जो चीज़ें बना के बेच भी रहे, बना के लीज पे भी दे रहे, और डीलर लेसर होता था जैसे जेल रोड के ऊपर अक्सर शोरूम्स हैं गाड़ियों के, बाहर के मुल्क से चीज़ें मंगवा के बेचते भी हैं और मंगवा के लीज पे भी देते हैं। और सिंपल लेसर कौन होता था? बैंक। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर को कौन सा प्रॉफिट आता है जी? एक्स्ट्रा सेलिंग प्रॉफिट। और हर लेसर को क्या आती है बोलें? इंटरेस्ट इनकम। ये हर लेसर को आती है। ये पेज नंबर 9 है नोट्स का जो परसों वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। वेरिएबल लीज पेमेंट एक लफ्ज़ है, इसको बस एज इट इज जहन में रखना है, ये लेसर के लिए एक डिस्क्लोजर है। एक ही दफ़ा हो जाए, मैं जरा रोक रहा हूँ क्लास, एक ही दफ़ा हो जाए फिर एंड तक ना मसला रहेगा। आप भी सेकंड रो में इस रो में जगह बना दें, व्हाइट बोर्ड पर नजर ना आए तो उधर बता दिया करें, एक और उधर हो जाए और आगे हो जाए। और इधर इधर जगह बना दें एक स्टूडेंट का। अच्छा अच्छा भाई, पॉइंट डी, ये कोई याद नहीं करने, ये आपने जहन में रखने हैं कि ये लेसर के हैं, फिर हम लेसी के पढ़ेंगे तो वो लेसी के होंगे। लेसर लेसी के अलग अलग डिस्क्लोजर हैं। क्वालिटेटिव, ये खामोश हो जाना काफ़ी देर से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। इस तरह का कोई डिस्क्लोजर हम बनाते नहीं हैं, लेकिन ये डिस्क्लोजर है क्या, जरा ये समझ लें। मुझे बताएं ये नेट इन्वेस्टमेंट जो है क्या होता है असल में? रिसीवेबल। प्रेजेंट वैल्यू होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बोलें? रिसीवेबल। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? रिसीवेबल। किसने किससे रिसीव करने हैं पैसे? लेसर ने लेसी से। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल। अच्छा मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल चेंज कैसे होती है? एक तो कैश रिसीव हो जाता है, तो कैश रिसीव होने से कैरिंग अमाउंट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या ऐसा भी हो सकता है लेसी पैसे लेके भाग जाए? तो क्या हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा। तो ये एक चेंज आई है कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट में। इस बात को छोड़ दें यार, सारी बातें, सादा सी बात बताएं। डेटर, इंट्रो की क्लास में पढ़ा था, डेटर की कैरिंग अमाउंट चेंज कैसे होती है? या पैसे आ जाते हैं या बैड डेट हो जाते हैं। तो यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है, कहते हैं अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है, बैड डेट वगैरह है अलग से, तो हमें बता दो, डिस्क्लोजर दे दो। लेकिन हमारे सवालों में तो बैड डेट नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कोप में नहीं है बैड डेट्स लीज के मद में। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस अंग्रेजी लिख के बता दो बैड हुआ क्यों, यानी क्या क्वालिटी में मसला आया आपके डेटर की जिसकी वजह से बैड हो गया। क्वालिटेटिव समझ लें रीजन, रीजन बता दो। क्वांटिटेटिव फिगर बता दो, क्वांटिटेटिव अंडरलाइन फिगर बता दो, और क्वालिटेटिव रीजन बता दो। कोई रीजन बता दो और फिगर्स बता दो जो चेंज आई है कैरिंग अमाउंट में। किसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज आई है? डेटर की। अगर कोई वजह चेंज होने की आई है तो वो भी हमें बता दो। नेक्स्ट जी, हाँ हो सकते हैं, तो लेसी लेके भाग नहीं सकता, किस दुनिया में रह रहे हो। अच्छा, मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस याद रखिएगा हमेशा अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स का बनता है। मैच्योरिटी एनालिसिस किसका बनता है? अनडिस्काउंट, क्योंकि मैच्योरिटी एनालिसिस किस कॉलम से उठाते हैं? इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम से, और इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम में कोई भी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हुई होती। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स रिसीवेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 5 years। फर्स्ट 5 years का मिनिमम बना दें, लेस देन 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, प्लस अ टोटल अमाउंट फॉर द, और मोर देन 5 years का अलग बना दें। और इसके बाद क्या बनानी होती है भाई? अ लेसर शेल प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल द अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ओके, कहीं नोट बना हो। ये देखें जी, एक नोट बना हुआ है, किसी सवाल का हमने क्लास में ही बनाया होगा। ये क्या है? अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। क्यों?
क्योंकि अभी तक डिस्काउंट नहीं हुई, इसलिए इनको क्या कहेंगे, बोले बोले बोले, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। ये हम किस कॉलम से उठाते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम से उठाते हैं। अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स को आप किससे रिकंसाइल करते हैं, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स को किससे रिकंसाइल करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट से। तो ये एक रिकंसिलिएशन का नाम है, छोटा सा पढ़ें। अलेसर शेल बोले 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 रिकंसाइल द अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज एंड द रिकंसिलिएशन शेल आइडेंटिफाई द बोले 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 क्या अनअर्न फाइनेंस इनकम रिलेटिंग टू लीज पेमेंट्स। ओके, आगे काट दें, आगे भी पढ़ने की कोई जरूरत, इसको छोड़ दें। ओके अच्छा भैया, मोटे मोटे जरा डिस्क्लोजर लेसर, भाई ये परसों वाले नोट्स हैं, मोटे मोटे जरा डिस्क्लोजर जहन में लेके आए लेसर के कौन से हैं। एक तो उसने क्या बताना होता है, सेलिंग प्रॉफिट, ये वैसे प्रॉफिट एंड लॉस से ही मिल जाएगा आपको, सेलिंग प्रॉफिट डिस्क्लोज करना होता है। और क्या बताना होता है, इंटरेस्ट इनकम। एक चीज हमें जो समझ नहीं आएगी वो क्या, वेरिएबल। अगली चीज, अगर जो डेटर है आपका जिसका नाम है नेट इन्वेस्टमेंट, उसकी में कोई क्वांटिटी में चेंज आई है और उस क्वांटिटी के चेंज की रीजन क्या है, मे बी पैसे आ गए हो, मे बी बैड डेट हो गया हो। और अगली चीज क्या बनानी है, मैच्योरिटी एनालिसिस किस कॉलम से उठाई जाती है, तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में डिस्काउंट अभी नहीं लगा होता। और लेसर ने एक रिकॉन्सिलिएशन बनानी है अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स की, किसके साथ बोले टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ओके, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लीज के बारे में, ये लेसर ऑपरेटिंग लीज में भी आपको रिवाइज करा दी थी। क्वालिटेटिव क्या मतलब, नेचर ऑफ लेसर एक्टिविटीज, लेसर तुम कर क्या रहे हो, नेचर ऑफ लेसर एक्टिविटीज एंड इन द एंड, यानी कुछ गाड़ियां लीज पे दे रहे होंगे, कुछ लेसर मशीन लीज पे दे रहे होंगे, ये नेचर हो गई। और नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, याद है रिस्क एसोसिएटेड विद राइट दैट लेसर रिटेन्स। मुझे बताएं राइट हमारा क्या होता है, बताई थी ये बात आपको बताई थी, राइट हमारा रिसीवेबल होता है और इसका रिस्क क्या होता है, बोले बैड डेट। मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तुम बैड डेट होने से अपने आप को कैसे बचा रहे हो, अगर कुछ बचा रहे हो तो अंग्रेजी में लिख के यूजर्स को बता दो कि मैंने इनसे सिक्योरिटी वगैरह ली हुई है, ऐसे मैं बैड डेट मैनेज होने से अपने आप को बचा रहा हूं। तो लिख लें इसकी एग्जांपल, सिक्योरिटी ली हुई है, एक बुक नीचे मंगवाले में आ रहा हूं। ओके, आज वाले नोट्स बांटो भाई, कल वाला होमवर्क के सवाल हो गए थे दोनों, yes, मसला तो नहीं हुआ, कितने मैंने किए थे भाई, ये करते रहे होमवर्क साथ साथ, होमवर्क नहीं करेंगे प्रैक्टिस नहीं होगी, चीजें जहन से निकलती रहेंगी। आज ये लास्ट टाइम नोट्स दिए जा रहे हैं, कल से नोट्स देने की जरूरत नहीं होगी, मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बता दिया करूंगा, किताब का फलां पेज है, कल से नोट्स बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपको आईएएस 38 में याद होगा, एक ही दफा चैप्टर दे दिया था, उसके बाद फिर हमें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो कल से नोट्स खत्म, टाइम भी लगता है ऐसे ही बांटने में भी। ओके, आज के नोट्स के दूसरे सफ़े पे आए, आज बस थोड़े से हमने सोचा रिवीजन कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों की दोबारा, तो एक सवाल बस मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर की होगी वही वाली। अच्छा भाई, कल होमवर्क के सवाल में देखें, ये क्वेश्चन 17 है प्रैक्टिस सेट का, किताब के पेज 70 पे है, लेकिन अभी खोलने की जरूरत नहीं। होमवर्क के सवाल में क्या था, एवोकाडो इज अ डीलर इन मशीन। अब डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, आपके पेपर में जवाब देने के तरीके में एक टके का डिफरेंस नहीं होगा, एक रुपए का डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे होते हैं, बना के बेच रहे होते हैं, इसलिए जो उनकी कॉस्ट होती है वो मटीरियल लेबर ओवरहेड की होती है। और डीलर क्या कर रहे होते हैं, खरीद के बेच रहे होते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट एज इट इज गिवन होगी। तो इधर भी देख लो, एवोकाडो द कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट
टू लीज अ मशीन, द मशीन वॉज परचेज्ड बाय एवोकाडो एट 1 लाख, ये कॉस्ट आ जाएगी। द कैश सेल प्राइस इज 2,10,000। तो चार चीजें मैंने आपको बताई थी, कैश चाहिए, फेयर वैल्यू चाहिए या सेल प्राइस चाहिए, और जीआई चाहिए और एनआई चाहिए। तो कॉस्ट आ गई 1 लाख और सेल प्राइस आ गई 2,10,000, और पहली जनरल एंट्री वही वाली होगी। तो डीलर के आने से सवाल के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा जी, आज वाला सवाल पढ़ना बड़ी गौर से। कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ, आज के नोट्स का दूसरा सफा, और बाकी लोग किताब निकालें जिनके पास किताब है, बस पास पेपर क्वेश्चन 9 निकालें। पेज नंबर क्या है किताब में, किताब में पेज नंबर क्या है? 2 होंगे। अच्छा जी, बुक के 2 वॉल्यूम होंगे, जल्दी जल्दी बता दें। 120, 126 पेज है जी किताब का। कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, जो भी नोट करने आप किताब पे किया करें। सिंस नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कौन से होते हैं, फ्यूचर कस्टमर्स, डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स के पास फंड्स नहीं हैं, तो टू परचेज द व्हीकल, के व्हीकल को बाय कर सकें अगेंस्ट फुल पेमेंट। बहुत से कस्टमर आके आके कहते हैं कि जब हम व्हीकल बाय नहीं कर पाते। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसका बिजनेस ट्रक्स बनाने का है, ये बैंक नहीं है और ये लीजिंग कंपनी नहीं है। इसके पास अगर आप जाएं तो इसके पास ट्रकों के ट्रक खड़े होंगे, आप गुम हो जाएंगे कहीं जाके बीच में, इतने ट्रक इसके पास होंगे। तो बैंक या जो लीजिंग कंपनी के दफ्तर में आप जाते हैं तो वहां आपको बंदे नजर आते हैं सिर्फ, वहां आपको गाड़ियां नहीं नजर आती, क्योंकि उनके पास लीज वाले एसेट पड़े नहीं होते, वो लोग खरीद के देते हैं फिर। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो यहां आपको ट्रक के ट्रक नजर आएंगे, हत्ता कि आप अपने आप को खो देंगे। सिंस अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, जैसे कल हैटफील्ड के पास भी पैसे नहीं थे तो उसने कहा था मैं लीज पे ले लेता हूँ चीज, इनके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं है टू परचेज द व्हीकल अगेंस्ट फुल पेमेंट। पूरे पैसे देके हम ट्रक खरीदें, हमारा अपना ट्रक बन जाएगा, हम नहीं खरीद सकते पूरे पैसे देके ट्रक। QAL also provides lease financing facility, इन्होंने साथ साथ क्या कर दिए हैं, लीज पे चीजें देनी शुरू कर दी हैं। आप बताएं जी ये मैन्युफैक्चरर लेसर है या सिंपल लेसर है, यानी एक ही वक्त में इसकी फैक्ट्री भी है, बना के भी बेचता है, और अगर किसी के पास पैसे नहीं तो वही जो बनाए होते हैं उनको किस्तों बना के भी महंगे बेच देता है। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रिटर्न एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ लीज फाइनेंस। ये 15% लीज वाला रेट है या ये 15% ग्रॉस प्रॉफिट वाला परसेंटेज है, लीज का इंटरेस्ट रेट है। ओके, ऑन 1 जुलाई 2010, रिक्वायरमेंट होगी ना 30 जून 2011 और 30 जून 2012, 2 सालों की। ऑन 1 जुलाई 2010 QAL सोल्ड 7 ट्रक्स टू EGTC ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, इसको ट्रक्स की जरूरत होगी, तो सामान जैसे दराज वाले होते हैं या ये होते हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर तो इनको सामान ट्रांसफर करना ही पड़ता है, तो EGTC को काफ़ी सारे ट्रकों की जरूरत थी, तो EGTC को 7 ट्रक्स की जरूरत पड़ी जो इन्होंने खरीदने पसंद नहीं किए, बल्कि किस पे लिए, तो सोल्ड के मतलब से आपने परेशान नहीं होना, सोल्ड ऑन लीज का मतलब है लीज ही है, लीज ही है। ओके, नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ द लीज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। हमने क्या चीज़ें ढूंढनी है, 4, कॉस्ट, सेल प्राइस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लीज पीरियड इज 4 ईयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ट्रक्स दैट इज 5 ईयर्स। इसमें इसने 2 बातें की हैं, वो बता दें क्या हैं। नहीं, एक मिनट, यहां इसने 2 बातें कर दी हैं, वो बता दें क्या 2 बातें हैं। कई लोग होते हैं बात करते करते एक और बात बीच में ऐसे ही बीच में कर जाते हैं, तो ये करते करते इसने बड़ी गहरी बात एक और भी कर दी है। इसने 2 बातें की हैं, कहते हैं लीज कितनी मुद्दत की है, ये बात मैं नहीं कह रहा, इसके बाद इसने 2 बातें की हैं। लीज कितनी मुद्दत की है, 4 साल की। इसके बाद इसने 2 बातें की हैं, एक बात इसने ये की है कि अगर लेसी आपका दिल चाहा तो 1 साल किराया और दे देना, लीज को 1 साल बढ़वा लेना, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं, लीज को 1 साल बढ़वा लेना। द लीज पीरियड इज 4 ईयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू, देखिए ना, इतनी सी बात अलग बात है, इतनी सी बात एक बात है, क्या है, लीज पीरियड इज एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर्स। तो लीज पीरियड बेसिकली कितने साल का है, 4 साल का, और 1 साल से बढ़ सकता है, यानी कितने साल का हो सकता है, 5 साल का। एक बात इसने ये की, लगे हाथों कहते हैं लाइफ भी आपको मैंने सोचा बताते चलूं, वो कितने साल है, 5 साल, ठीक है जी। आप बता दें लीज का बेसिक पीरियड कितने साल का है, जैसे लाइसेंस में नहीं होता था रिन्यूअल वगैरह,
चार साल के लिए ले लो, एक साल के लिए रिन्यू करवा लेना, बिल्कुल उसी तरह की कुछ बात समझने की कोशिश करें। तो ओरिजिनल लीज पीरियड कितने साल है? चार साल। इसमें आगे टॉपिंग कितनी आप डाल सकते हैं, और लकीली लाइफ भी कितने साल है? पांच साल। अच्छा यार ऐसा करते हैं, इस लाइन की स्टोरी खत्म करें, क्योंकि पूरे सवाल में हमें परेशानी होती रहेगी कि लीज चार साल की है या पांच साल की है। पूरे सवाल में हमें परेशानी होती रहेगी, पता नहीं लीज की किस्तें चार बनानी है या पांच बनानी है। इस लाइन को खत्म ही कर देते हैं रिक्वायरमेंट पढ़ के। एज्यूम QAL एंड EGTC इंटेंड टू एक्सटेंड द लीज फॉर 5 years। ऊपर इसने हमें परेशान किया, हम घबरा गए लाइन पढ़ के, यार पता नहीं लीज चार साल की है या पांच साल की है, और नीचे धड़ाधड़ चार साल का डाटा भी दे रहा होगा, पांच साल का डाटा भी दे रहा होगा। इन द एंड आके ड्रॉप सीन किया, ये लाइन काश हम पहले पढ़ लेते। वो कहता है कि जी ज्यूम कर लो, दोनों ने सोचा कि लीज को कितने साल चलाना है। आप बता दें क्या डिसीजन हुआ? ये लाइन तो मेरी नजर में बिल्कुल फारिग हो गई है, लीज पांच साल की है, चार साल का कोई चक्कर ही नहीं है सवाल में, क्योंकि लीज कितने साल की है? पांच साल की। व्हाट्सएप ग्रुप में हर दफा कोई ना कोई एक बच्चा जरूर पूछता है आपको कैसे पता चला पांच साल की लीज है। इस लाइन को 6 दफा हाईलाइट कर लें घर में बैठ के लोग। तो रिक्वायरमेंट चीख चीख के पुकार रही है कि लीज कितने साल की है? पांच साल की। अब जो बंदा परेशान हो रहा होगा ना, लीज चार साल की है या पांच साल की है, तो उसको प्यार से नहीं गुस्से से आप लोग कहते हैं अन्य वेख पंज दी है ड्रामे ना, नहीं नहीं इस तरह ना गाकर प्यार से तैयार करें। बेटा देखो नीचे जाके है, बेटा इधर आओ, उसको सर पकड़ के, ये देखो पांच साल की है, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो चार की है या पांच की है, क्लियर? प्यार से बोला करें। ओके अच्छा भाई, लेसी ने गारंटी कर दी है रेसिडुअल वैल्यू कितनी? 60,000 फॉर ईच ट्रक टिल द एंड ऑफ द, अगर चौथे साल के एंड पे लीज खत्म कर दी तो लेसी ने कहा है मैं तुम्हें मिस यूज की कंपनसेशन देके जाऊंगा 60,000। ट्रक तो इसका मतलब है वापसी करने हैं, जब भी गिवन हो जीआरवी यूजीआरवी तो इसका मतलब है मिस यूज की कंपनसेशन पे करेगा। जीआरवी यूजीआरवी का एक और मतलब क्या बताया था? इट मींस के ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, और लीज के एंड पे आपने उसे वापस करके जाने। तो चौथे साल के एंड पे अगर हम वापस करके जाएं ट्रक, तो लेसी मिस यूज की कंपनसेशन कितनी पे करेगा? 60,000, क्लियर? हाउएवर, लेकिन गारंटी खत्म हो जाएगी। गारंटी खत्म हो जाएगा का क्या मतलब है? कितने रुपए? नहीं, जब गारंटी खत्म हो जाएगी तो फिर कितने पैसे देंगे? 0 रुपीस। हाउएवर गारंटी वुड लैप्स इफ द लीज टर्म इज एक्सटेंडेड टू 5th ईयर। अगर लीज टर्म 5 साल तक चलेगी तो गारंटी खत्म हो जाएगी। अब अगेन अगर हमने सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी हुई तो हम अभी तक तजबजुब का शिकार हैं, यार पता नहीं 4 साल की लीज है 5 साल की लीज है, और आज पहली दफा 2 GRVs दे रहे हैं आपको। चौथे साल के एंड पे 60,000, पांचवें साल के एंड पे 0 रुपए। बता दें अगर रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है तो किस चीज को इग्नोर कर दें? अगर रिक्वायरमेंट पढ़ ली है तो पॉइंट वन कह रहे 5 किराए देने हैं। अगर रिक्वायरमेंट पढ़ ली है तो पॉइंट वन क्या कह रहे हैं? और देने भी 5 ही किराए, डिसाइड हो गया। और अगर मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ लिया तो जीआरवी में 0 लूंगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हुई तो यहां पे खड़े होकर मैं सोच रहा हूंगा यार पता नहीं 4 किराए या 5 किराए, यार लीज ही तो सही तैयार था, यार पता नहीं 60,000 या 0 रुपए, पता नहीं 60,000 या 0 रुपए। चल रशीद आगे देखें क्या होती है हमारे साथ। तो लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पढ़ ली है तो किराए कितने देने हैं, और पांचवें साल के एंड पे मिस यूज की कंपनसेशन आंडा, इसलिए 60,000 को काटें काटे काटें। क्यों काट दिए? क्योंकि किराए कितने देने हैं? 5। जब डिसाइड हो गया 5 किराए देने हैं तो फिर एसेट वापस भी कब करने हैं? EGTC विल रिटर्न द ट्रक एट द एंड ऑफ लीज। EGTC लीज ट्रक वापस कर देगा, और माने ना माने लीज का एंड मुझे पता चल चुका है 5th ईयर, क्योंकि आपके साथ वाला पहुंची भी सरकार है, उसने रिक्वायरमेंट पढ़ ली भी है। लीज का एंड कौन से साल है जी? 5 साल बाद। अच्छा एक बात यहां पर आप मुझे बता दें के रेंटल्स जो आ रहे हैं हमारे, इनको आप क्या करेंगे? रेंटल्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से? 5 से। क्यों? हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है ना, हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है तो रेंटल 5 होंगे। अच्छा यार एक चीज पता नहीं क्यों बच्चे पूछते हैं कि डिसाइड हो गया लीज 5 साल की है, डिसाइड हो गया लीज 5 साल की है, और लाइफ भी ट्रक की 5 साल है, तो जिस चीज की लाइफ 5 साल है और जिस चीज की लीज टर्म भी 5 साल है, तो 5वें साल के, मैं कोई और बात अभी करना चाह रहा हूं,
मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। कुछ सवाल बच्चे पूछते हैं कि लीज टर्म भी 5 साल है और लीज टर्म भी 5 साल है, लाइफ भी 5 साल है। भाई बातें सुनना यार, एफ आर टू को सीरियसली। लीज टर्म भी, लाइफ भी, तो आप हमें ये बताएं कि फिर 5वें साल के एंड पे जाके EGTC ने जब ट्रक को वापस करना है लेसर को, तो लेसर ने इसका अंब का अचार डालना है या लसूड़े का? तो लेसर ने इसका क्या करना है जब ये अपनी पूरी जवानी और पूरा बढ़ापा जाया करके आ चुका होगा पूरे 5 साल? ओ भाई जो भी हो, लेसर के पास चले जाने, स्क्रैप है जो भी है, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बाजार से मिल ही जाएगा लेसर को। और लेसर की चीज है, आपको क्या, लेसर ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ यू विल रिटर्न दिस ट्रक, और ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखी होनी चाहिए थी, क्योंकि GRV का मतलब ही ये होता है कि लेसी विल रिटर्न। ये लाइन ना भी लिखी होती तो ये बात इंप्लाइड थी, लेसी एसेट को क्या करके जाएगा? वो मिल कब जाता है? जब परचेज ऑप्शन देता है। मिल कब जाता है एसेट? जब परचेज ऑप्शन। अभी तो परचेज करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको क्या करके जाना पड़ेगा? वापस करके जाना पड़ेगा। अच्छा, और यार फिर बच्चे बंदे लेके आ जाते हैं, कहते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रक बिक गया है, नीचे आप कह रहे हैं ट्रक वापस कर देना है। ओ भाई, ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म को नहीं देखना, रियलिटी को देखना है। लीगल फॉर्म क्या है? सोल्ड, बेच दिए हैं तुम्हें ट्रक। रियलिटी क्या है? 5 साल की चीज है और 5 साल के लिए हमारे पास है, तो एक तरह की जो है लेसर के पास से चली गई ना, तो लेसर के पास से चीज बिक ही गई ना एक तरह की, तो सोल्ड शायद यहां पे तो सही मानी दे रहे हैं, उसने बेच ही दिए हैं। लेकिन अब एंड पे जाके अगर वापस कर दें तो आपने ये नहीं कहना कि इसने बेचे नहीं, एक तरह के चले गए हैं हमेशा के लिए लेसर के पास से। वैसे भी मेरे भाई, हमने लेसर की किताबों में एसेट रखने या नहीं रखना, वो सोल्ड के लफ्ज से और रिटर्न के लफ्ज से डिसाइड नहीं होगा, वो सिर्फ 5 सवालों की बुनियाद पर डिसाइड होता है। लेसर की किताबों में एसेट रखना है या नहीं रखना किस बेस पे डिसाइड होगा? सिर्फ 5 सवालों की बुनियाद पर डिसाइड। तो 5 सवाल हम पूछेंगे, डिसाइड कर लेंगे लीज पर, और 5 भी पूछने की जरूरत नहीं है। लीज टर्म 5 साल है और लाइफ क्या है? 5 साल। तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो 75% से ज्यादा आ गया 100%। इसका मतलब है लीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज है। ओके, अच्छा जी, कहां तक हम पहुंचे हैं? लीज कितने साल की थी ओरिजिनली? 4, लेकिन बढ़ के कितने साल पे जा सकती है? डिसाइड क्या हो गया? 5 साल। अगर जो 4 साल की लीज होती तो ट्रक वापस करते हुए साथ कितनी मिसयूज की कंपनसेशन देनी थी? 60। और अगर 5 साल की होती तो ट्रक वापस करते हुए कितने पैसे देने थे? लैप्स का मतलब रुपीज 0, गारंटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगली बात, किराए ये हमारे पास आ रहे हैं 2715524, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे यार, वो दो चीजें मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में अवेलेबल होती हैं। कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 9 लाख। ये कौन सी कॉस्ट है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसकी फैक्ट्री के जो खर्चे हैं। बना कितने का ट्रक है? ट्रक ही होगी, 9 लाख का ट्रक बना लिया सिदादे ने, सवाल को आना होगा 2011 का। अच्छा, तो ट्रक कितने का बने जी? 9 लाख का। प्राइस इन कैश ऑफ आउटराइट सेल इज 13,50,000। ये क्या मतलब होता है? आउटराइट सेल क्या होती है? आउटराइट का मतलब मैंने देखा हुआ, लेकिन आपके लिए दोबारा देख रहा हूं, मेरे ख्याल से यकमुश्त इसका मतलब होगा उर्दू में। आउटराइट मीनिंग इन उर्दू यकमुश्त, यकमुश्त होता है फौरन। अगर फौरन कोई बंदा पैसे दे जाए, आउटराइट फौरन, फौरन कोई बंदा पैसे देके जाना चाहे तो उसे कितने का भी देंगे? 13 लाख। लेकिन इसको 13,50,000 का नहीं देंगे, इसे 2715524 मल्टीप्लाइड बाय 5 साल की किस्तें बना के देंगे। और प्लीज अभी थोड़ी सी एहतियात करनी है, पूरे सवाल में एक फिगर ऐसी है जो पर ट्रक नहीं है, वो बाहर निकल के नहीं, वो इंशाल्लाह पेपर पे बैठ के पता चलेगा, ऐसे नहीं होगा। ये पर ट्रक गिवन है, ये पर ट्रक नहीं है, ये पर ट्रक है, ये भी पर ट्रक, ये भी कोई चीज आ रही है, ये भी क्या है, कैसे लिखे ई ट्रक। अच्छा जी, एंड पे आ जाए जी, 0.5 अब आ गया हमारा, 0.5। The expected residual value of each truck at the end of and at the end of is 1.5 lakh and 1 lakh respectively. Is 1.5 lakh and 1 lakh respectively. अच्छा, अब हजरात मुझे ये बता दें कि क्या मैं इसमें से ये लाइन काट दूं? एंड का लफ्ज भी काट देते हैं, आप पढ़ें जरा। Expected residual value of each truck at the end of 5th year is rupees 1 lakh respectively, भी आप किसी तुक्का नहीं रहेगा, is 1 lakh। तो बता दें जी, 4 साल के एंड वाली residual value लूं या 5 साल के एंड वाली residual? 5 साल के एंड वाली residual। अच्छा यार,
ये ना एक इशू है, पहली दफा हुआ है, उसने ना खाली लफ्ज यूज किया रेजिडुअल वैल्यू, नहीं, खाली उसने लफ्ज यूज किया रेजिडुअल वैल्यू। तो मोहतरम जो खाली लफ्ज होगा ना रेजिडुअल वैल्यू, उससे मुराद होगा जी आर वी और यू जी आर वी डाल के। बोले बोले, खाली रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होगा? जी आर वी और यू जी आर वी डाल के। अब ऐसे ही आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए फोर्थ ईयर के एंड पे और फिफ्थ ईयर के एंड पर आर वी क्या है? आर वी, आर वी मीन्स ना जी आर वी ना यू जी आर वी, बल्कि दोनों का टोटल रेजिडुअल वैल्यू। तो मुझे पॉइंट फाइव में लफ्ज पढ़ के बताएं, यू जी आर वी लिखा हुआ है या आर वी? आर वी लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो मैंने काट दी है कितनी है? वन। और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 1 लाख। आरवी को ब्रेक करेंगे जी आर वी और यू जी आर वी में। अच्छा जी, अगर आप 4 साल की लीज लेते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से जीआरवी थी, कितनी थी? 60,000। 1.5 लाख माइनस 60,000, 90,000। ये क्या आ गई? जो अमाउंट गारंटी होगी वो तो गारंटी है ना, तो बाकी कहां चली जाएगी? अनगारंटेड में। एक अमाउंट की तो किसी ने क्या दे दी, और बाकी फिर अगर एक टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से कोई बंदा जिम्मेदारी दे दे, ऐसे ही मैं मिसाल दे रहा हूं, आप बैंक से जाके लोन ले 1.5 लाख रुपया, आपका दोस्त गारंटी दे दे 60,000 की, तो बताएं कितने की किसी ने गारंटी नहीं दी? 90,000 का लोन देते हुए शायद बैंक आपको डर रहा हो। एक ऐसी मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए। तो व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू? हाउ आई केम टू नो दैट इट इज रेजिडुअल वैल्यू? वाज़े तौर पे लिखा हुआ है आरबी, जीआरबी, यूजीआरबी का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। और नाउ कम ऑन फिफ्थ ईयर, इधर बताएं जी आरबी क्या है? आरबी, आरबी 1 लाख। अच्छा, ऊपर जाएं, इस सूरत में अगर 5वें साल तक जाएं तो गारंटी वुड लैप्स, गारंटी वुड लैप्स, गारंटी जी, जीआरबी बताएं यार। लेकिन बाजार से इसको कुछ ना कुछ स्क्रैप के तौर पे मिल ही जाएगा, कोई मसला नहीं। वो कितना मिलेगा? 1 लाख। अब मेरे तो ख्याल से सिर्फ आपको ये नोट करना चाहिए जो ये वाला है, क्योंकि वो तो वैसे ही मैंने लिख दिया, ये तो मैंने वैसे ही सवाल में क्या करनी है, इग्नोर करना है डेटा। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि सवाल की मैंने क्या पढ़ ली है, रिक्वायरमेंट, तो ये तो वैसे इग्नोर करना है, लेकिन समझने के लिए बनाया जा सकता है, कोई मसला नहीं। तो अगर खाली आरवी लिखा हो तो वो रेजिडुअल वैल्यू होगी, उसको फिर ब्रेक करना है किसमें? जीआरवी। नोट करना यार, हाथ बांध के बैठा रहता है यार। हाँ बोले बोले बोले। ओके, अब आप मुझे बता दें, 5 टेस्ट में से एक टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, कि क्या ये ओनरशिप इसको मिल जाएगी? वो तो बिल्कुल वाजे लिखा हुआ है, ओनरशिप नहीं मिलनी। इसने ट्रक क्या करना है? वापस करके जाना है, परचेज तो कर ही नहीं सकता, इसने ट्रक क्या कर जाना है? वापस। नेक्स्ट, क्या मार्केट प्राइस से कम पे खरीद सकता है 5वें साल के एंड पे, या ट्रक वापस करके जाना है? ट्रक वापस करके जाना है। क्या अगर मैं लीज टर्म को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ से तो जवाब 75% से ज्यादा आता है? आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्या साबित हो गया? तो फाइनेंस या ऑपरेटिंग लीज किसी बुनियाद पर डिसाइड नहीं होना, सिवाय इसके कि आपने कितने टेस्ट लगा लेने हैं। अब इधर उधर सोचोगे तो परेशान होगे। अच्छा, मोहतरम भाई पता है क्या कहना चाह रहे हैं? भाई ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, वो कह रहे हैं फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में ये होता है कि लेसर एसेट अपनी बुक से, सोचे शुरू वाली क्लास में याद करें क्या बताया था, फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है, लेसर अपनी किताबों से एसेट निकाल देते हैं। अब भाई ये कहना चाह रहे हैं कि लेसर अपनी किताबों से एसेट क्यों निकाल रहे, वो तो लेसर के पास आ जाना है और इसने फिर बाजार में बेच के यू जी आर वी रियलाइज भी करवा लेनी है, तो ये अपनी किताबों से एसेट क्यों निकाल रहा है?
मोहतरम ठीक है, इनकी बात अपनी जगह, लेकिन स्टैंडर्ड बात की रियलिटी देखते हैं। स्टैंडर्ड कहता है आप ही जाने 5वें साल, तो इसका चार डाल लें लेसर ने, कितना दे जाएगा लेसर को? 1 लाख रुपए का एक ट्रक है, 7 ट्रक, 7 लाख मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या निकाल लेगा इस एसेट से? इसलिए स्टैंडर्ड में यह है कि आप किसी एक बेस पे डिसाइड ना करो ये फाइनेंस है ऑपरेटिंग, बल्कि किस बेस पे डिसाइड करो, 5 टेस्ट लगाओ और 5 टेस्ट लगा के डिसाइड करो ये लीज फाइनेंस है ऑपरेटिंग। इसलिए इन चक्रों में नहीं पड़ना, कोई एक बात देख के, वो जो डॉक्टर की मिसाल दी थी, कोई एक टेस्ट करके डिसाइड कर देते हैं कि इसको कैंसर है, कहीं तो नए नए डॉक्टर शक्ल देख के कह देते हैं इसको कैंसर लग रहा है, तो इसलिए इन चक्रों में नहीं पड़ना। हमने कितने टेस्ट लगाने हैं? 5 टेस्ट। 5 टेस्ट लगाने के बाद क्या डिसाइड होगा, लीज फाइनेंस है ऑपरेटिंग। ओके चलें जी, सवाल लास्ट टाइम पढ़ें और इसके बाद सोल्यूशन की तरफ मूव करें। कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड, एक बड़ी सवाल मैंने एंड पे आपसे एक बात पूछनी है। कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, सिंस द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर डू नॉट हैव टू परचेज द व्हीकल्स। बहुत से लोग कहते हैं जी हम ट्रक नहीं खरीद सकते अगेंस्ट फुल पेमेंट, इतना बड़ा ट्रक और इकट्ठे पैसे देकर खरीदे हम तो निकल जाएगी जान हमारी। तो QOL ने सोचा कि लोगों को किस पे देना शुरू कर दें। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रिटर्न ऑफ द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ लीज। यकम जुलाई 2010 को QOL ने 7 ट्रक बेच दिए हैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को, किसके ऊपर? किस्ते बना के बेच दिए हैं, लेकिन ये ट्रक वापस आ जा नहीं है, वो बात अपनी जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, द टर्म्स ऑफ लीज आर एज फॉलोस, लीज 4 साल की है लेकिन 5 साल तक जा सकती है। सवाल का सोल्यूशन कह रहे हैं 5 साल पर ही लेके जाना। पॉइंट टू, EGTC ने कहा है मैं 60,000 रुपया दे दूंगा अगर 4th साल मैंने तुम्हें ट्रक वापस किया, वरना मैं तुम्हें 5वें साल ट्रक वापस किया तो कोई पैसे नहीं दूंगा, इसलिए हम क्या लेंगे? 0 GRV। पॉइंट थ्री, किराए आपके 2715 है पर एनम। ये आप मुझे बता दें यार, ये जरा सोचा करें, ये 60,000 किसने किसको देने थे? लेसी ने लेसन। ये 2715 किसने किसको देने हैं? लेसी ने। ये 9 लाख रुपए किसने किसको? लेसर ने अपने मजदूरों को दिए होंगे पैसे और मटेरियल खरीदा होगा जो ट्रक बनाने का। ये 9 लाख रुपए वो हैं, और ये 13,50,000 के हैं। अगर बिलावल आ जाए और कहे मुझे ट्रक दो, तो 13,50,000 तो ऐसी जेब से निकाल के दे देगा, या बेगम को कह देगा अपनी पॉकेट, शादी नहीं, बेगम कह देगा वो जो पॉकेट मनी मैंने तुम्हें दी थी उसमें से 6-7 ट्रकों के पैसे हैं, वो कहेगी 50 ट्रकों के पैसे हैं ये पकड़ो, तो 13,50,000 वो ऐसे ही दे देगा। ये तो तब पैसे मिलेंगे लेसर को जब फौरन ही सेल हो जाए, जब ट्रक वापस आ जाएंगे, जैसे कि वापस आने हैं, वो ट्रक ही क्या जो वापस ना आए इस सवाल में। तो जब ट्रक वापस आ जाने हैं तो बाजार से लेसर को कितने मिल जाएगा फी ट्रक? 1 लाख रुपए मिलना, टोटल 1 लाख है, लेकिन उसमें से GRV 0 है तो UGRV पूरी 1 लाख होगी। लेसी के एंगल से यार कभी इस सवाल को देख लेंगे, कल याद कराइएगा, लेसी के एंगल से इस सवाल को देख लेंगे कि ये शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट है, फिर कल इसके ऊपर बात कर लेंगे, फिलहाल लेसर का सवाल कराने दें। ओके सवाल पढ़े जी। अज्यूमिंग QOL एंड EGTC इंटेंड टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जनरल एंट्रीज आपने करनी है और नोट बनाना है। अच्छा भाई, अब आप मुझे बता दें ये सवाल किसकी बुक्स में करें, लेसर की लेसी की? जो कह रहे हैं लेसर की बुक्स में करें वो हाथ खड़ा करके बताएं, जो कह रहे हैं ये सवाल लेसी की बुक्स में करना है वो लोग हाथ खड़ा करें, जो कह रहे हैं दोनों की बुक्स में करना है वो हाथ खड़ा करें। 50 नंबर तो नहीं है सवाल के? अच्छा, ये आई कैप की हिस्ट्री में वाहि सवाल है जो 10 साल पहले आया था, इसके बाद ऐसा सवाल कभी नहीं आया जिसमें वो बता नहीं रहा कि सवाल किसकी बुक्स में सॉल्व करना है। जिस बात ही नहीं हो जाना, मैं एहतियातन दोनों की बुक्स में सॉल्व कराया हूँ। हाँ, एक सवाल और करने का टाइम पेपर में नहीं बचा था, ये एहतियातन दोनों की बुक्स में मैं कराया, एहतियात दोस्तों। अच्छा मोहतरम, नहीं 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 यार, UGRV GRV का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल सी बात है, बात हो किसकी रही है पहले पैरे में, पहला पैरा किसके लिए है, तो इसका मतलब है जिसकी बात उसने सुनाना शुरू की है उसी का सवाल सॉल्व करवा रहा है ना। अच्छा, इस पैरे को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा किसकी बुक्स में सवाल सॉल्व करना है। EGTC, अगर ये पहला पैरा ऐसे होता, EGTC इज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, इट इज इन नीड्स ऑफ ट्रक, सम पास ईयर से ये ट्रक खुद खरीद रही थी, बट नाउ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड, नाउ EGTC हैज अप्रोच्ड क्वार्ट्स टू बाय सम ट्रक्स। अगर इस तरह का पैरा होता तो फिर बात किसकी शुरू की है, लेकिन अभी जरा देख के बता दें। देखें, आप किसी वाले साहब को अपने दोस्त की कहानी सुना रहे थे, बीच में कोई और दूसरा दोस्त आ जाता है तो वाले साहब के जहन में होता है कि बात उसी पहले वाले की चल रही है, किसी कॉन्टेक्स्ट में बीच में दूसरे की बात आ गई, तो लेसी की बात तो बीच में ऐसे ही आ गई। पहला पैरा जरा देख के बताएं आपको क्या लग रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें करना चाह रहे हैं। क्वार्ट्स इज अ मैन्युफैक्चरर, नंबर ऑफ कस्टमर्स के पास पैसे नहीं होते, क्वार्ट्स ने सोचा लीज फाइनेंस शुरू कर दें, क्वार्ट्स ने सोचा 15% इंटरेस्ट कमाना शुरू कर दें, और जाते जाते कहीं बीच में ऐसी लेसी का जिक्र आ गया। तो पहला पैरा पढ़ के बताएं किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसलिए सवाल किसकी बुक्स में सॉल्व करेंगे। लेसर। अच्छा जी, कल क्या किया था हमने? चार बातें सुन जा, कॉस्ट, सेल प्राइस या फेयर वैल्यू, दूसरा GI और चौथा NI, तीसरा GI चौथा NI। चलें जी शुरू करें।
बोलेंगे कॉस्ट, यार 9 लाख तो पर ट्रक है ना, 9 लाख पर ट्रक है, हमारे कितने ट्रक हैं? 7। अच्छा 900 ضرب 7, 7 वाले को करने दे, वो पागलों की तरह उसका प्रोग्राम है आज भी आखिर में 3 सिफरे लगाना और फिर वो GINI में लगा रहेगा और मोटिवेशन शेड्यूल तो उसका पूरा दिन ले जाएगा, फिर उसको लगा रहने दे। आप लोग 900 लिखें 9 लाख की जगह। और आज एक बहुत बड़ी बात सुने, जब हमने राउंडिंग का डिसीजन ले लिया ना, राउंडिंग का डिसीजन ले लिया है, तो हजरात ये इतना बोल्ड डिसीजन है, इतना बोल्ड डिसीजन है कि आप हैरान हो जाएंगे। जब हमने रुपीज इन 1000 का सवाल करना शुरू कर दिया ना, तो ये मैं 3 सिफर इग्नोर करूंगा, मैं 224 भी इग्नोर कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि 224 है, ये 5 को 6 नहीं कर देगा, 224 इग्नोर कर दूंगा मैं, ये 9 लाख के आगे 3 सिफर इग्नोर कर दूंगा, 1350 के आगे 3 सिफर इग्नोर कर दूंगा, 1 लाख के आगे 3 सिफर इग्नोर कर दूंगा, 1.5 लाख और 60,000 का वैसे वैसे ही हमने कुछ नहीं करना था। तो अब बच्चों को जो परेशानी होती है, ठीक है, ऐसा लफ्ज़ ना बोला करें, तकलीफ होती है बच्चों को जो परेशानी होती है, 224 को डिलीट करने से होती है। भाई मेरी मर्जी, मैं रुपीज़ इन 1000 में सवाल करना चाह रहा हूँ, 224 को डिलीट कर देंगे, आ जाएं जी उसका मिल्कशेक बना देंगे। अच्छा जी भाई, जो पेपर में कुछ करना है उसी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, और डंके की चोट पर ये बात हो रही है। अच्छा जी, सेल प्राइस या फेयर वैल्यू बता दीजिए ट्रकों की, 1350 पर ट्रक, ऊपर रुपीज़ इन 1000 लिख लिया, मेरे पास जगह नहीं है इधर, रुपीज़ इन 1000, पहली एसी पे इतना कुछ लिखा हुआ है, आप रुपीज़ इन 1000 कहाँ लिखे। जी जी बोले 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 9413, पहले ही तुम पिंडी पहुंचे हो, 1350 × 7 9450। अब बोले आप जी आए, जी आए, जी आया नहीं, जी आए, ओके जी। सवाल में GRVs UGRVs गिवन है या परचेज ऑप्शन की प्राइस गिवन है? अब लेसर के जूते पहन के सोचें इनफ्लोज क्या होंगे, डाउन पेमेंट लेसर को इनफ्लो होगा, इसको ऐसे लिखा करें वैसे, लीज पेमेंट, लीज पेमेंट GI इज इक्वल टू लीज पेमेंट प्लस UGRV। अच्छा UGRV के लिए डिफरेंट बॉल पॉइंट यूज कीजिएगा, 7 वाले से लेके UGRV। अच्छा लीज पेमेंट को मैंने ब्लैक से इसलिए लिखा है कि ये पैसे लेसर ने किससे लेने हैं, लेसी से। जी LP कंप्राइजेस डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV, तो लीज पेमेंट का हमने ब्रेकअप कर दिया। अच्छा जी बताएं जी, डाउन पेमेंट सवाल में रेंटल 15, नहीं 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 इंटू 7 नहीं, 5 सालों से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये 60 ट्रकों का किराया, इंटू 5 ईयर्स प्लस GRV 0 प्लस UGRV। जी व्हाट इज टोटल रेजिडुअल वैल्यू, 1 लाख, व्हाट इज गारंटेड, व्हाट इज अनगारंटेड, ये वाला 100 में उठा रहा हूं, इधर क्या लिखूं जी, 700, लेकिन अगर थोड़ा सा समझने के लिए लिखने तो ऐसे थोड़ा सा साइड पे करके मैं लिख देता हूँ, 700 कैसे निकला है, 1 लाख एक ट्रक की है तो हमारे पास 7 ट्रकें हैं पूरे, 100 × 7 की साइड पे लिखिएगा, ऐसे फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, जहन में रहेगा ये फिगर कैसे निकली है, ऐसे स्टार डाल के बेशक लिख लें, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड दिखा रहे हैं, इट इज योर फॉर्मूला, क्लियर। टोटल ग्रैंड टोटल 14275। चलें जी NI, जल्दी जल्दी रिवीजन हो रही है, जल्दी 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 NI, जीरो को तो डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं, 27 × 1 − 1 point रेज टू पार माइनस डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 0, GRV वाला आ गया, तो इधर डाउन पेमेंट वाला आपने 0 डालने तो बेशक वो भी डाल लें, ये तीन तीन चीज़ों की डिस्काउंटिंग होगी, ब्लैक से
और आप 700 के, 700 इंटू 1.15 कितने साल की लीज है? 5 साल की। याद रखिएगा जीआरवी, यूजीआरवी और परचेज ऑप्शन की प्राइस तीनों हमेशा लीज टर्म के एंड पे फेंकने हैं, रेज टू पार माइनस 5। अब ब्लैक और ब्लू ना अलग अलग चलाने हैं आपने, ब्लैक और ब्लू अलग अलग चलाने हैं। 9 4 मेरा नहीं ख्याल, 9 4 1.1 ग्रैंड टोटल बताना, जहां पे रेस टू पार 1.15 रेस टू पार माइनस 5 वन माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 2715 9101 9101। मैं किसका टोटल पूछ रहा हूं, काले का नीले का? काले का 9101। अब नीले का बताएं 348। जरा चेक करें, सात वाले का ये वाला प्लस इस वाले प्लस के और इस वाले प्लस के और इस वाले और इस वाले प्लस के एग्जैक्ट ऊपर है, उसको क्या बातें समझ आनी है, ये कहानी ही अलग चल रही है। ये पैसे लेसी से नहीं ले रहे, ये पैसे जब ऐसे टेंड पे आएगा तो बाजार से मिलेंगे, तो ये प्लस 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 बड़े रिदम से चल रहे हैं जानबूझ के, और रिदम से नहीं भी चल रहे तो कम से कम ये चेक कर लें कि वो डिफरेंट बॉल पॉइंट यूज कर रहा हो, कम से कम ये एहतियात हो। अब ग्रैंड टोटल ब्लैक से ही लिखवा दें, ग्रैंड टोटल ब्लैक 9449। ओके इट्स ओवर नाउ। लीज कौन सी डिसाइड होगी, फाइनेंस या ऑपरेटिंग? फाइनेंस डिसाइड होगी। इंटरेस्ट निकाल लो, देख लो कितने इंटरेस्ट कितने, ये टोटल होगा जी आई माइनस एन आई 14275 माइनस 9449 इज इक्वल टू 26। ओके कुछ नहीं, खैर है कुछ नहीं होता, जाने दो, एक दो रुपए आउट हुए कोई मसला नहीं, किधर है वो दे दिए, मैं किधर हूँ, मसला हल हो गया है, खत्म हो गया, मैंने कहा था खर्चे नहीं करने। अच्छा जी यार, एक एंट्री मैंने आपको बताई थी ट्रक बनाने की, वो एंट्री नहीं करनी, ट्रक बनाने की इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, हमारा भी लेवल ही नहीं ट्रक बनाने का, तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करनी, डायरेक्ट एक एंट्री करनी है, वो एंट्री जरा मुझे बता दें, यकम जुलाई 2000 अब रहने दें, यकम जुलाई 2010 और ईयर एंड डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री, इस सारे की जगह लीज रिसीवेबल, ये हमारी एंट्री बनेगी, क्लियर? ओके जी सारे, अब जरा ऊपर देखिएगा, अब आपके 5 से 6 मिनट चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट, अभी तक रिवीजन हो रही थी जीआरवीज, यूजीआरवीज, रेंटल, अभी तक रिवीजन हो रही थी, आप जरा अटेंटिवली आपने देखना है। साथ वाले को देखें ऐसे, और कल भी यही करना चाहिए था, लेकिन कल डेटा अवेलेबल नहीं था ज्यादा, कल भी यही करना चाहिए था। ना यार ऐसे और कुछ ना लिखी, बस बहुत हो गया आज वास्ते, चलें चलें जी, पहले फॉर्मूला जरा याद करें, लीज रिसीवेबल किस पे बुक करने है, लॉजिक्स बाद में, कॉस्ट ऑफ सेल किस पे बुक करनी है, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसलिए ब्लू मार्कर अलग रखा था आज, और सेल किस पे रिकॉर्ड करनी है, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
और इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करनी है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है। वैसे ये एंट्री ना दी हुई है आज के नोट्स का पहला सफा जो है, आज के नोट्स का पहला सफा, और बुक में भी जहाँ ये दिया हुआ है ना मैन्युफैक्चरर डीलर एसर का ये वाला डब्बा, तो बुक में भी वहाँ ये एंट्री दी हुई है। अच्छा जनरल एंट्री बता दें जी, जनरल एंट्री का पैटर्न जल्दी जल्दी जल्दी, वजह वजह कोई नहीं अभी डिस्कस, सॉरी, जनरल एंट्री का पैटर्न बताएं जी। लीस्ट रिसीवेबल किस पे बुक करना है? बस ये याद कर लें, लॉजिक बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन लॉजिक की कोई खास जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल किस पे बुक करनी है? कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल किस पे रिकॉर्ड करनी है? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करनी है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है। ओके अच्छा जी, अब मोहतरम इस फॉर्मूले की पहले मैं आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन बता दूं। मैथमेटिकल डेरिवेशन मेरे ख्याल से किसी काम की नहीं है। मैथमेटिकल डेरिवेशन से एक चीज़ ये साबित हो जाएगी कि ये फॉर्मूला एंट्री को बैलेंस कर दिया करेगा। ज़रा मैथमेटिकल डेरिवेशन गौर से देखिएगा। हमारा सिलेबस इस तरह स्ट्रक्चर है कि फेयर वैल्यू लोअर आ ही नहीं सकती, वो फिर सीए फाइनल की बात हो जाती है। तो आरजी तौर पर मैं ये मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। क्या पीछे रह गया? हमारा सिलेबस इतना स्ट्रक्चर है कि हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही लोअर आया करेगी। अच्छा एन आई क्या होती है? कोई बंदा ये बता दे एन आई क्या होती है? अगर जी आई है एल पी प्लस यू जी आर वी, तो एन आई है पीवी ऑफ एल पी, और ये पीवी नहीं है ना, प्लस पीवी ऑफ जी आई का फॉर्मूला बताएं, लीज पेमेंट और ये फॉर्मूले मुश्किल नहीं होते। लेसी से डाउन पेमेंट लेनी है, किराया ले लेना, लेसी से मिस यूज की कंपनसेशन ले लेना, बाजार से पैसे ले लेना, ये फॉर्मूले आसान है। अच्छा व्हाट इज जी आई? एल पी प्लस, देन व्हाट इज एन आई? पीवी ऑफ एल पी, पीवी ऑफ एल पी प्लस पीवी ऑफ यू जी आर में। ओके एक मिनट में साथ वाले को यह समझा दें कि मैथमेटिकली यह फॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन बैलेंस कर देगा। जरा ऊपर नीचे फिगर नजर आ रही है, साथ वाले को देख के समझा दें, थोड़ा सा फोकस कर लें, समझाएं समझाएं साथ वाले को। मैथमेटिकली यह फॉर्मूला बिल्कुल सही रिजल्ट दिया करेगा और इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाया करेगी। देखें डेबिट पे क्या चीजें पड़ी हुई है, क्रेडिट पे उसके बिल मुकाबले चीजें पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई सोचें, जिन लोगों को समझ आ गई वो हाथ खड़ा कर दे, मैथमेटिकल डेरिवेशन मैच कर देगी, बाकी लोग फिर सोच लें। चलिए और आसानी, क्रेडिट में क्या पड़ी है, डेबिट में क्या डाल देंगे, कॉस, तो ये से कैंसिल बराबर आ जाएगी क्वेश्चन। अच्छा इधर क्या पड़ी है क्रेडिट पे, इधर भी क्या पड़ी है, पीवी ऑफ एलपी, तो ये डेबिट पे पड़ी है, ये क्रेडिट पे पड़ी है, बराबर आके ये भी कैंसिल हो जाएंगे। डेबिट साइड पे पीवी ऑफ यूजीआर भी पड़ी है और क्रेडिट और डेबिट पे ही माइनस साइन के साथ पड़ी है, तो ये प्लस माइनस ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो इट इज मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, अगरचे इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। वापस आ जाए जो हमने लिखा हुआ था एन आई, और बोले 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 कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआर भी, हाँ ठीक है, वेल डन, फॉर्मूला को याद हो गया, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और कॉस्ट। दुनिया के स्टैंडर्ड बनाने वालों ने बहुत सी चीजें सोची होंगी, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव किया होगा। अच्छा मैथमेटिकल डेरिवेशन तो हो गई, अब आप जो है वो लॉजिक्स की थोड़ी सी बात कर लें, लेकिन वो भी सिलेबस में नहीं है सच। लेसर ने जो पैसे लेने हैं वो कौन कौन से लेने हैं? लेसर ने प्रिंसिपल की मद में, ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल के मद में लेसी से पैसे लेने हैं, वो जो लीज पेमेंट्स की पीवी आ रही है, और साथ साथ वही जो मैंने अभी लिखा था पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। तो सबसे पहले लेसर के जूते पहन के सोचें, लेसर ने क्या क्या पैसे लेने हैं? डाउन पेमेंट लेनी है प्रेजेंट वैल्यू की मद में, रेंटल लेनी है और जीआरबी लेनी है, और साथ यूजीआरबी लेनी है, क्लियर। तो ये लेसर का रिसीवेबल बुक हो गया, ये लेसर का रिसीवेबल बुक हो गया। नेक्स्ट ट्रक जो है उनमें आपका खर्चा 9 लाख नहीं आ रहा, 9 लाख आप खर्चे में ना डालें, 9 लाख वाले ट्रक वापस भी आने हैं, 9 लाख वाले ट्रक। आम जो दुकानदार होते हैं आपको याद है, उनके पास से जब चीज बेच देते हैं तो वो चली जाती है भाई, आप क्या बोले भाई, आम दुकानदार जब चीज बेच देते हैं वो चली जाती है हमेशा के लिए। ये कॉलेज वाले ने बुक बेच दिया, बाकी पास चली गई हमेशा के लिए, ये नहीं आफ्टर 6 मंथ्स आई विल रिटर्न दिस बुक बैक, लेकिन आम दुकानदार चीज बेच देते हैं हमेशा के लिए। लेकिन लेसर क्या कर रहा है, इधर चीज बेच रहे और बेच के वापस आ जानी है, और उसको कंफर्म है वापस आ जानी है, इसलिए क्या करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल को कैसे रिकॉर्ड करें, जरा सोचें।
क्या आप एग्री कर रहे हैं लेसर ने मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा किया है ट्रक बनाने में, और क्या आप एग्री कर रहे हैं ट्रक वापस भी आ जाना है? लेकिन अगर पूरी यूजीआरबी माइनस कर देता तो ट्रक तो 5 साल बाद वापस आने हैं, और ये जो खर्चा किया ट्रक बनाने के लिए वो अभी किया, तो मिसमैच हो जाना था। इसलिए क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। और ये ऑलमोस्ट इंट्रो की क्लास जैसी बात है। आप फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट भी इसी तरह करते हैं, कॉस्ट माइनस इंट्रो की क्लास में शुरू में ही ये बात बता दी जाती है कि डेप्रिसिएशन पूरी कॉस्ट को ना कर देना, इंशाल्लाह ये एसेट कुछ ना कुछ हैंड पे देके जाएगा। तो आज हमने ऐसे दुकानदार को देखा जो जिसकी चीज 5 साल बाद क्या आ जानी है, तो जब 5 साल बाद वापस आ जानी है तो खर्चा पागलों की तरह इतना ज्यादा रिकॉर्ड करने की क्यों जरूरत है? आपका 9 लाख नहीं डूबा पर ट्रक, पर ट्रक आपका 9 लाख नहीं डूबा, हर ट्रक आपको एंड पे कितना दे जाएगा, तो क्यों खर्चे को इन्फ्लेट करें बिला वजह, खर्चे को रियलिटी के ऊपर रिकॉर्ड करें। तो इसलिए बोले क्या किया करेंगे, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। और ये डिस्कशन मुझे इस वक्त करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंटरी किसे क्रेडिट होगी, कॉस्ट से। चलें जी फिगर्स पोस्ट कर दें, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, लेकिन 1 मिनट थोड़ा सा सोच के बताएं। और सारे लोग, मेरा तजर्बा है 100% लोग सही बताते हैं जो सोचते हैं थोड़ा सा। पूरे डेटे में से मुझे एनआई ढूंढ दें, एनआई ढूंढें, 9 फिगर गलत नहीं उठानी, 944 डेटे में से कॉस्ट ढूंढें, पीवी ऑफ यूजीआरबी ढूंढें, पीवी ऑफ यूजीआरबी, ना ये यूजीआरबी है, पीवी ऑफ यूजीआरबी 348, फेयर वैल्यू ढूंढें 9450, और पीवी ऑफ एलपी 94 लोअर 910। ये पीवी ऑफ एलपी है, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी है ना, ये पीवी ऑफ एलपी है। एंड व्हाट इज कॉस्ट, 16। चलें एंट्री कर दें, एंट्री करने से मरादे आगे फिगर्स लिख दें। लोअर ऑफ की लॉजिक मैंने कोई ज्यादा डिस्कस नहीं की, जरूरत महसूस होगी कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। चलें जी एनआई बता दें, 944। ये लेसर को पूरे पैसे मिलने हैं प्रेजेंट वैल्यू की मद में, इसमें एलपी की भी प्रेजेंट वैल्यू है और यूजीआरबी की प्रेजेंट। ओके नेक्स्ट आगे बोलें जी, कॉस्ट 63 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी 348, 59। ये डेबिट हो गए, क्रेडिट, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी कितना आ गया? असल में इसकी भी थोड़ी सी सुन ले बजा, स्टैंडर्ड कह रहा है कि तू बाजार में तो तुझे बेच के इतने आने थे, लेकिन फिलहाल तो लेसी से इतने आ रहे हैं ना, तो सेल को ओवरबुक करने की जरूरत नहीं है, सेल को इस पर रिकॉर्ड कर लो। व्हाट इज फेयर वैल्यू 94, व्हाट इज पीवी ऑफ एलपी 910, व्हाट इज लोअर 9, बस लोअर उठा के एज इज लिखते हैं यहां पे 910। व्हाट इज कॉस्ट 6300। अब रात में आपको 7-8 मिनट दे रहा हूं, तो होमवर्क वाले सवाल की आप ऐसा करें कि ये इक्वेशन टैली कर दें मुझे, होमवर्क वाले सवाल की। नहीं, अभी करें ना, ऐसे बैठे बैठे होमवर्क क्या घर में ही बन जाए यहाँ तक, होमवर्क वाला सवाल किधर है?
आज वाला होमवर्क, आज वाला होमवर्क, पास पेपर का क्वेश्चन 8 है जिनके पास बुक है। डिफरेंस आ रहा है 1 रुपए का। यार देखने डिफरेंस नहीं आता, 9 जमा 2 11 और ये 1 पड़ा। यार इंशाल्लाह ट्राई करें, ये चैलेंज है आपका और 5 मिनट मेरे ख्याल से काफी है, लेकिन लेकिन जल्दी हेस्ट में एक वेस्ट नहीं, पहले कॉस्ट ढूंढें, फिर फेयर वैल्यू ढूंढें, प्रॉपर जीआई डिफरेंट बॉल पॉइंट यूज करें, एनआई 5-7 मिनट ले लें। आज वाले नोट्स एंड पे बचे हुए हैं और वो के ला देते हो कॉपी, ये ठीक है ठीक है, रहने दो ये उधर दे दें सेकंड रो में। कोई जल्दी करने वाले को शाबाश नहीं है, 5-6 मिनट बाद हाथ खड़े करने शुरू कर दें। स्प्रिंग 2016 का सवाल है, खुला खुला करके यूजीआरवी को सफे के एक्सट्रीम राइट बॉर्डर पे लिखा करें, सफे के बिल्कुल एंड पे राइट पे लिखा करें यूजीआरवी। पीजन मिलियन में शुरू कर दिए, कम से कम 1000 में तो कर लें, पीजन मिलियन में तो ज्यादा ही फिर मसला हो जाएगा, पीजन 1000 में कर लें, मिलियन में ना करें, रुपीजन 1000 में कर लें। यूजीआरवी क्या कह रहे हो, पता नहीं, यूजीआरवी पर ट्रक है या मुझे नहीं पता, पेपर में नहीं मैं बैठाऊंगा साथ। जनरल एंट्री करें आप, कर ली तो हाथ खड़ा कर दें, जनरल एंट्री 1। जी भाई अभी तक एक ही हाथ खड़ा हुआ है, वेल डन, 2 लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, 3। आज इंशाल्लाह वो IAS 38 वाले टेस्ट की ना डिस्कशन में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, राइज ऑनलाइन वाला जो है उस पर जाके देख लीजिएगा।
ऑनलाइन वालों के लिए तो पोर्टल पे ही हो जाएगा। हाँ वो असल में ना उसको उसने पेपर मार्क करा है, उसको ज़रा मैंने रिव्यू भी करना है, कल भी रिव्यू करवाए हैं कुछ, इस बार रिव्यू करके आपको दिए जाएंगे। 6-7 दिन वेट करें फिर मिलेंगे। ओके बस ये काफ़ी हो गया। शालीमार इंडस्ट्रीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स। अच्छा इस सवाल में तो वाजे उसने लिखा हुआ है, वैसे शालीमार की बुक्स में सॉल्व करें, पहली रिक्वायरमेंट नहीं दूसरी में तो कम से कम लिखा हुआ है। तो शालीमार इंडस्ट्रीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स, द ट्रैक्टर्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस। वैसे ही उसने बता दिया लीज फाइनेंस है, तो कैश पे भी बेचे जाते हैं और लीज पे भी बेचे जाते हैं। द कैश सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज, तो टू क्यों नहीं बोले तुम, पेन उधर पड़ा हुआ है। जी वर्किंग वन कॉस्ट बोलें, ये ना 1.6 मिलियन इसे कहते हैं, मैं इसे करने लगा हूँ रुपीज इन थाउजेंड में, तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, 1600, 16,000। ओके नेक्स्ट जी, फेयर वैल्यू सेल, सेल प्राइस या फेयर वैल्यू, ये 2 मिलियन है, 2 मिलियन का मतलब फिर 2 के बाद 6 सिफर, आखिरी 3 काट देंगे तो 2000, 2000 इंटू 10 20,000। नेक्स्ट जी आई इज इक्वल टू प्लस यूजीआरवी। अच्छा जी रेंटल हैं आपके 4 साल की लीज है 6375, डाउन पेमेंट 0, अब मैं वो नीचे नहीं लिख रहा डाउन पेमेंट रेंटल, डाउन पेमेंट 0 रेंटल 6375। यार ये 6375 टोटल रेंटल है या पर ट्रक है, पर ट्रक नहीं लिखा हुआ तो पूरे रेंटल है 1 साल के सारे 10 ट्रकों के। 6375 इंटू 4 ईयर्स, इंटू 4 ईयर्स 10 वालों 4 ईयर्स, ये पर ट्रक नहीं है इंटू 4 ईयर्स। अच्छा जी आर वी सवाल में गिवन नहीं है, द यू जी आर वी एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज द टोटल यू जी आर वी, टोटल पर ट्रक नहीं है, प्लस 1000 हंड्रेड नहीं 1000, इसका टोटल जी आई का क्या आया, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल 2650। ओके अब मैं जो है वो एन आई निकालने लगा हूँ, एन आई में मुझे याद करा दीजिएगा डिफरेंट मार्कर यूज करने हैं, पहले मैं पीवी ऑफ एलपी निकाल लेता हूँ, 0 + 1 - 1 पॉइंट रेज टू पावर -4 / 0 जी आर वी, यू जी आर वी के लिए मैं डिफरेंट रेट यूज कर लेता हूँ, 1000 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4। जी पीवी ऑफ एलपी अब आपको पता है अलग चाहिए होगी मुझे, पीवी ऑफ एलपी अलग चाहिए होगी, 1936 3, और ये 636, ग्रैंड टोटल 1999 99। कर लें 20,000 कर लें कोई नहीं, हाँ फिर 6 के बाद 4 कर, अरे यार जाने दे यार 1 रुपए में जाने दे, जो मर्जी करें जो मर्जी करें। क्या मोहतरम, कोई जरूरी नहीं किसी के बराबर लाना, इक्वेशन खुद ही बैलेंस करेगी चीजों को। ओके चलें जी एंट्री करवाएं आप, बताएं जी सबसे पहले, चल लीज
किस पे रिकॉर्ड करने हैं? 19 भाई, जो भी मसला है उसको चैलेंज के तौर पे लें, मुझे नहीं पता होता सोल्यूशन में कहीं राउंडिंग हुई हो, हम चैलेंज लेते हैं, देखते हैं क्या मसला आता है फिर एंड पे। लीड रिसीवेबल 19999, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट बोलें कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजी आरवी 3634। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट सेल, व्हाट इज पीवी ऑफ एलपी, व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हिच इज लोअर 19363। ओ भाई मेरे पास क्यों आ रहे तू? अच्छा जी, और क्रेडिट इन्वेंटोरी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी? तो भाई कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे, तो देखें 9 जमा 4 13 आ रहे हैं और ये 3 बैलेंस हो गए। इन्वेंटरी की कॉस्ट गलती से आपने 1600 लिख दी थी, तो वो ठीक है, वो गलती इधर भी फिर हुई ना आपकी 1600 वाली। दो ब्लेंडर दोनों जगह चपेट मार जाए तो लगता है मुंह ही लाल है, हालांकि वो चपड़ी चपेट होती है, तो मम्मी को घर जाके पता चलता है। तो ये मैच तो करेगा, कहते हैं मैंने यहाँ 1600 लिखे मैच कर रहे हैं, मैच तो करेगा, मैच तो आपको पता है मैच होता है, 1600 यहाँ भी लिखा इन्होंने, 1600 यहाँ भी लिखा, तो मैच तो करेगा, तो लेकिन गलत होगा, लेकिन गलत होगा। ठीक है जी, अच्छा और क्या क्या गलती की थी इन्होंने तो बता दिया, 1600 मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, तो और क्या क्या गलती की है बताते जाए ताकि सबको आइडिया हो जाए। क्या चीज क्या कर दिया था यहाँ 4 सालों की बजाय 10 सालों से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, और क्या गलती की, किसको 10 से, इस 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन वहां ईच का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था, मिलियन और 1000 मिक्स हो गए थे, ये सबसे जेन्युइन मसला, ये कितने लोगों के साथ हुआ था? इसका तरीका सुन ले यार, मिलियन 1000 मिक्स होने का, एक मिनट, इसका तरीका फिर थोड़ा सा एफर्ट करें, आने वाले दिनों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिलियन है, इसको मैंने 2000 उठाने, इस तरह जैसे ही सवाल आए ना। 1.6 मिलियन है, इसको मैंने 1600 लेने, 6375 लेने, इसको मैंने, ये 1 मिलियन है, इसको मैंने 1000 लेना है, इसका तरीका ये है। लेकिन फिर भी ये गलती फिर भी हो सकती थी कि कौन सी चीजें 10 ट्रकों की हैं और कौन सी चीज 1 ट्रक की, ये जरा ध्यान रखना। हाँ जी, राउंडिंग में क्या चेंज हो जाता है? ये 454 है ना, अच्छा आप कह रहे हो इसको कर दो यार, ये भी कर दो, 6376 कर दो इसको, इस 5 को उड़ाएंगे तो कहते हैं ये 5 हो जाएगा, इस 5 को उड़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, कर दो कोई मसला नहीं, वो एक दफा हो चुकी है ना बात, तो पैसे दिए जा चुके। जो ऊपर आपने लिखे रुपीज इन 1000 तो नीचे भी 1000 में ही करो, इसका हाल मेरे पास कोई नहीं है। ओके, वापस आ जाएं जी, जिथे दी फिर वापस आ जाएं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करने हैं? एनआई से। जी, यकम जुलाई 2010 NI 9449 30 यार, अरसा ही हो गया मूंगफली, फिर चना आ गया, नोट एरियर में है। टेस्ट वाला सवाल बड़ा आ रहा था यार वैसे, वो असल में अकाउंटिंग ईयर एंड और वो डिफरेंट था, और फिर उसके बाद किराया भी एडवांस में पे हो रहा था, उसकी डिस्कशन करनी पड़ेगी टेस्ट की, वो मैच्योरिटी एनालिसिस उसका जो है जब बना और उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन बनी तो वहां पे थोड़े से आउट हो गए होंगे। ओके, 30 जून 2000, अच्छा जी, पहला कराया 27 भाई, ये गलती ना किया करें, जब आखिरी साल आ जाए तो इसमें देखा करें कि किराया कब है और जीआरवी यूजीआरवी कब है। लकीली किराया भी एंड पे है और जीआरवी यूजीआरवी हमेशा ही एंड पे होती है। जी आप बता दें, 2715 प्लस 700 3415। कुछ इतने सादा बच्चे होंगे उनको बताना पड़ेगा हम क्वेश्चन 9 पे वापस आ गए हैं। ओके
जी 1 4 9 8 1 5 1। काफी दफा बात हो चुकी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता पॉइंट के बाद डिजिट ना एक कैलकुलेटर पे इसको कैसे सेट करना है, इनको अभी तक भी नहीं पता। अच्छा, और ना सीखने की नियत है। शिफ्ट मोड के बाद डिपेंड करते हैं, सिक्स दबाते हैं अक्सर लोग, शिफ्ट मोड सिक्स, लेकिन वापस आना भी बता दो, कौन जाती है सरकार वापस नहीं आ सकती, शिफ्ट मोड सिक्स। उसके बाद फिर वो सेल निकालते हैं, ये लोग सेल निकाल के दोबारा डालते हैं, शुक्र है यार पॉइंट के बाद डिजिट आ रहे हैं। शिफ्ट नाइन, अब हर कैलकुलेटर की अपनी दुनिया है। ओके आगे चलें जी, 1 2 1 4 9। भाई यूट्यूब के ऊपर देख लिया करें, कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी आपको चीज समझ ना आ रही हो, 6 6। लेकिन अक्सर बच्चे पूछते हैं लिखना क्या यूट्यूब पे, ये भी नहीं समझ आ रही होती, उर्दू में लिख देते हैं, मैं कैलकुलेटर को शिफ्ट करना चाहता। किधर किधर उसको क्या करना है, अभी तो 2 सालों की एंट्रीज मांगी है, वो तो करें ना। जनरल एंट्रीज फॉर 30/11 and 12, 30/11 जी बोले, कैश डेबिट प्लीज रिसीवेबल, ठीक है। साथ वाला कितना खुश हो रहा है, होमवर्क के सवाल की वर्किंग भी हो गई है, पहली एंट्री भी हो गई है। मैं होमवर्क वाले की बात कर रहा हूँ, होमवर्क वाले की वर्किंग भी हो गई है, पहली जनरल एंट्री भी हो गई है। आज जाके आइए 38 रिवाइज करूंगा, कितना खुश हो रहा है। 2 1 2 9 8। जो आईएस 38 में 2 सफ़े समरी के थे उन पे कौन नजर मारेगा, आज नजर मारेगा, चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा जी, ये पहला साल खत्म हो गया, अब कौन सा साल, दूसरा साल। भाई फाइनेंस लीजिए तो लेसर एसर अपनी किताबों से निकाल देता है, एसेट इन्वेंट्री है कि मतलब ना फिक्स्ड एसेट नहीं है, हाँ ये आप सही कह रहे हो, लेकिन इन्वेंट्री नेट सेल्फ एक एसेट होता है। जी बिल्कुल, आगे बोलें। अच्छा भाई ये जरा देखें, साथ वाले ने जो डेबिट क्रेडिट है उनके अंदर कोई रिदम है, कोई रिदम है, या किसी एंट्री का डेबिट उस किसी एंट्री के क्रेडिट के नीचे पहुंचा है और किसी एंट्री का, ये देखा करें जरा, दिखाओ रजिस्टर भाईजान, ये डेबिट है और बिल्कुल साथ ही नीचे क्रेडिट है, हालांकि इधर डेबिट होते हैं लोगों के, इधर क्रेडिट होते हैं। कोई जिंदगी में कोई तो किए होंगे ना, हाँ ये सही है यार, ये भी सही नहीं है, ये मुझे वैसे नहीं पसंद। ये देखो, डेटर का 20 यहां है और सेल का एस यहां है, यानी कि 2 के नीचे ये सेल, इसको थोड़ा सा इधर कर दिए, अब अच्छा दिख रहा है, अब बुरा दिख रहा है, किसी ने 20 ने सेल दिए। ओके अगली रिक्वायरमेंट, वालिदैन ने कहा था सीए के बाद नोट बनाना, आप सीए के दौरान ही नोट बनाने लग गए हैं। पॉइंट बी, अ नोट फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30/11/2011 इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड IFRS 16। रूल नंबर 16 क्या है जी खाला का, नोट बनाने। अच्छा, लेसर के नोट में क्या क्या आता है, मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन। नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, हमारा साल कौन सा जी, 30/11 लाइन लग। ओके, लेस देन 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4, अपनी कंपनी का नाम क्या, कॉट्स नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और नोट नंबर 9 फाइनेंस लीज 9.1, इंग्लिश 9.2, मैच्योरिटी जी लेस देन 1। ना 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 ना, यही है यूजीआरबी है,
इसको इधर नहीं डालना, इसको यूजीआरवी को अलग जाके रिकॉन्सिलेशन में ऐड करना है। अगर इधर ऐड करते तो डबल ऐड हो जाएगा। वन जीरो एट सिक्स जीरो, ये जो सुबह सुबह हम पढ़े थे ना, इनको कहते हैं अनडिस्काउंटेड, अनडिस्काउंटेड फिगर्स की एनआई से रिकॉन्सिलेशन बनानी है। ये होती हैं कौन सी फिगर्स? अनडिस्काउंटेड, और ये वाली फिगर डिस्काउंटेड होती हैं, और ये डिस्काउंट होते हैं। ओके 10860 चलिए। हाँ ले जाओ मीनू, कितने लेके जा रहे हो रिकॉन्सिलेशन में? टोटल लीज रिसीवेबल 10860। मुझे क्यों नहीं लेके गए थे? मुझे एंड पे हमेशा लेके जाया करेंगे। हाँ तुम चुप रहो, तुम्हें एंड पे लेके जाया करेंगे। चलो अब तो ले जाओ, आ जाओ। हाँ शुक्र है मुझे भी सीट दे दी। जी आए। अच्छा कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, ए जी आई कुछ हो रहा है, ए जी आई कुछ हो रहा है, जी आई होंदा की है? ओ चाचू ए जी आई 30 जून 2011 को है, और वो जी आई लीज स्टार्ट होने पे है। क्लियर जी? डबल वन फाइव सिक्स जीरो लेस अनर्न फाइनेंस इनकम टोटल कितने? 4826 अर्न अनर्न अनर्न टोटल में से अर्न माइनस करना है 4 8 minus 1 4 3 4 0 8 1 5 1 unearned finance income या unearned interest income। यूजीआरवी के यू के नीचे जी लिखे, जी आई। लेस अनअर्न फाइनेंस इनकम, कौन सा वाला दिखाओ, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन दिखाओ ना। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, ओवर। होमवर्क वाले सवाल की रिक्वायरमेंट देखें। इधर मुझे नजर नहीं आ रही, जनरल एंट्रीज कितने सालों की? कोई 8 नंबर की जनरल एंट्रीज, और नोट 1 साल का। ओके खामोश रहो भाई, एक सवाल किसी ने पूछा है और बड़ा अच्छा सवाल है। इसको मैं निकाल के, होमवर्क में ना क्वेश्चन 22 था, ए वाई ई एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट विद। अच्छा वैसे इतनी सी बात से पता नहीं चलता कि लेसर कौन है लेसी कौन है। हो सकते हैं लेसी लेसर के पास गया हो, सकते लेसर लेसी के पास गया हो। पूछना था ना फिर, द टर्म्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज ब्ला 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 ब्ला, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी। मैं 100% एग्री कर गया हूँ भाई की बात से, बिल्कुल नहीं पता चल रहा सवाल लेसी का या लेसर का। आई कैप में ऐसा सवाल नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस के सवाल हैं, खुद समझने के लिए बनाए हुए हैं। तो बी कंपनी को अंडरलाइन करके लेसर लिख लें। पास पेपर के सवालों में ये इशू नहीं आता, सवाल में देख के नहीं पता चल रहा कि ये लेसी है या लेसर है। छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, ऐसे ऐसी लाइन नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ पेपर में क्लियरली आएगा, पेपर में क्लियरली आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा तो अंडरलाइन करके इसको लेसर। बहरहाल कितने लोगों ने लेसर के एतबार से कर लिया था इसको कल? ओके ठीक है जी, ओवर।